बीजेपी की पंजाब पदरी अज मीटिंग से मीटिंग दे विच की खास रहा गल करांगे साडे नाल प्रवीण बंसल मौजूद बंसल साहब अज मीटिंग दे विच की खास कुछ नहीं साडे जिहड़े बीजेपी के चुनाव चिन्ह ते 73 जिहड़े कैंडीडेट लड़े सीगे कंटेस्ट जिन्होंने इलैक्शन किया अज उन्हां दा क्योंकि परिवार वड्डा होया पहला असीं 23 लड़दे सीगे सो सब दे इंट्रोडक्शन जी सीगी उन्हां दी सारे एक दूजे को परिवार है परिवार के मैंबर एक दूजे को जान लैन इस तरह का एक गैट टूगैदर से इंट्रोडक्शन की गल तुसीं कर रहे हो इंट्रोडक्शन सी सो इलैक्शन तो बाद इदां दी इंट्रोडक्शन क्यों रखी क्योंकि इलैक्शन खत्म हो चुके हैं हुण समा निकल चुका इलैक्शन का खत्म हुणे लोड़ है उदो तो इलैक्शन जे एकदम कैंडीडेट किसी की टिकट अनाउंस हो गई वो अपने इलैक्शन लड़ गया किसी की होर अनाउंस अपने इलैक्शन लग गया वो लेकिन हुणे लोड़ है ना हुण अगे 10 नूं रिजल्ट आने है उस तो पहला असी एक परिवार के तौर पर मिलन होया और उस तो बाद आने वाले टाइम सरकार ही बनानी है तो इकट्ठे तो होना ही है गल कर रहे हो सरकार बनानी है लगता पंजाब से सरकार बन जाएगी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी किसी पार्टी ना गठजोड़ की भी कोई गल चल रही है क्योंकि किसी सियासी पार्टी ना कोई गठजोड़ हो नहीं जो गठजोड़ साडा हैगा वो पहला जिहड़ा सवाल मैनू पूछ रहे हो हाई कमांड नू पूछण वाला सवाल है मेरा सवाल नहीं तुसी सीनियर लीडर हो नहीं नहीं सीनियर नहीं है असीं एक भारतीय जनता पार्टी दे एक कार्यकर्ता कि जिहड़ा गठजोड़ पहला सीगा वो अकाली दल नाल सीगा अकाली दल नाल गठजोड़ टुट गया इस वारी चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ते ढींसा साहब नाल गठजोड़ कर लिया लगता उहदा कोई फायदा पाऊगा ते अकाली दल नाल गठजोड़ टुटेगा की नुकसान नहीं देखो मेरी गल सुनो जिहड़ा गठजोड़ टुटिया सानूं उहदा फायदा ही होया भारतीय जनता पार्टी 23 तो 73 लड़न लग रही है ठीक है टोटल 117 असीं सीटां लड़ियां तो साड़ी सरकार बनेगी सानू फायदा होगा कितने ना कितने BBMC वाला जो इशू है भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का वो लगातार भख रहा वह जो ठीकरा वो भी BJP के सिर पर सटिया जा रहा केंद्र BBMC भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट भाखड़ा देखो सरकार ने उसका चिंता नहीं जी 1100 पोस्टा है एक पोस्ट से रौला पाया हुआ मेरे ख्याल बेफजूल दी गल्लां ठीकर अज भी BJP के सिर पर सटिया जा रहा इनू लैके होर तरह कई तरह के मसले ने जो केंद्र से सटे जा चलो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना लोगों को ऐसा कोई गल नहीं होना इशू चाहिए अज यूक्रेन के अंदर जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया तुहाडी मोदी सरकार ने काम किया बच्चों नूं उत्थे लिआउण दा तो उसके बावजूद लोग बोली जाते तो कई बंदे ना अननेसैसरी राजनीति करते हैं हर गल जिस राजनीति कुछ नहीं है सो गल फिर उत्थे करदे आ क्योंकि तुसीं चोणां लड़े हो आम लोगों विचरे भी हो पहला किसानी अंदोलन के चलते BJP कितने ना कितने ढाल लगती हो जरूर दिखी सी लगता भी चोणां च भी कितने कितने लगेगी नहीं 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 बिल्कुल नहीं सानूं लग्या कि साडा विरोध नहीं होया ऐसा नहीं है बड़ा अच्छा अज कुछ लोगों नाल परसनली गलबात हुई है तो बड़ा अच्छी सपोर्ट है कोई दिक्कत नहीं है कितनी आस रख दो इन सीटा सरकार सरकार बनेगी आस पूरी है पूरी आस थैंक यू सो प्रवीण बंसल BJP के सीनियर लीडर गल कर रहे हैं अज चाहे अंदर मीटिंग हुई है मीटिंग दे विच कई मुद्दे विचारे गए हैं पर BJP की सरकार बनने की जो गल है वह जरूर की जानी है हुण देखना होगा 10 मार्च में सरकार किस दी बनती है चंडीगढ़ तो कैमरा परसन आकाशदीप के नाल रवि जक्कू।